कहते हैं स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दर्शकों, स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोग मुक्त तो होता ही है, साथ ही स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। जी हाँ, सुखी जीवन की आधारशिला साफ सफाई ही है और साफ सुथरा रहना मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। जी हाँ, और ऐसा ही प्राकृतिक गुण साफ सफाई का देखने को मिला शहर के सोनारी के रहने वाले हरे राम दास में। जी हाँ, हरे राम दास की अगर बात करें तो ये तो स्वच्छता से जुड़े ही हैं, साथ ही आप अगर इनकी बाइक को देखेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे कि हरे राम दास किस कदर स्वच्छता को अपने साथ अपनाए हुए हैं। जी हाँ, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं हरे राम दास की ये बाइक और रूबरू करवाते हैं हरे राम दास से। कोरोना काल है और सब भाई बंधु जितना है सब एकदम भी मास्क पहने, अच्छा है सबके लिए। और हम अपना गाड़ी को मास्क इसलिए पहनाए हैं, उनका कुछ हो जाएगा तो हम किस में घूमें, इसलिए सबको जागरूक करा रहे हैं। सब मास्क पहन के चलिए और हेलमेट अपना सर में लेके चलिए। सुरक्षा के बारे हमको शुरू से हम लोग मोदी बाबा साथ जुड़े हुए हैं। जब वो साफ सफाई कर सकता तो हम लोग क्यों नहीं साफ सफाई कर सकते हैं, क्यों नहीं हम लोग सेवा कर सकते हैं। मास्क नहीं तो मास्क पहनना चाहिए, मास्क को एक व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत आदमी मास्क छोड़ दे रहा है बाजार में ऐसे घूम, और हम लोग स्वच्छ भारत से बहुत दिन से जुड़ा हुआ है। हम अपना साफ सफाई भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, किसी के घर में कुछ दोस्त लगता है पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं।